आज 73वां जन्मदिन मना रहे हैं राकेश शर्मा के, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। वे अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के एक और विश्व के 38वें व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद वे एयरफोर्स में शामिल हो गए। सितंबर 1982 में अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए चुने गए। 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ और रॉकेट सोयुज T-11 के जरिए अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए और सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पहुँचे, जहाँ करीब 8 दिन बिताए। उन्हें भारत सरकार ने अशोक चक्र और सोवियत संघ ने हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन सम्मान से नवाजा जा चुका है। राकेश शर्मा की जीवनी। राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पटियाला पंजाब में हुआ था। शिक्षा। राकेश शर्मा ने अपनी सैनिक शिक्षा, राकेश ने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। वे पायलट बनना चाहते थे। भारतीय वायुसेना द्वारा राकेश शर्मा टेस्ट पायलट भी चुन लिए गए थे, लेकिन ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। 20 सितंबर 1982 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उन्हें सोवियत संघ उस वक्त की अंतरिक्ष एजेंसी इंटरकॉस्मोस के अभियान के लिए चुन लिया। करियर। 1966 में NDA पास कर इंडियन एयरफोर्स कैडेट बने राकेश शर्मा ने 1970 में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लिया। फिर यहीं से इनकी किस्मत ने यू टर्न लिया। मात्र 21 साल की उम्र में ही भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद राकेश आगे बढ़ते गए। 1971 के बाद के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान राकेश शर्मा ने अपने विमान मिग एयरक्राफ्ट से महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। इस युद्ध के बाद से राकेश शर्मा चर्चा में आए और लोगों ने उनकी योग्यता की जमकर तारीफ की। राकेश शर्मा ने दिखा दिया था कि कठिन परिस्थितियों में भी किस तरह शानदार काम किया जा सकता है। 1984 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के इंटरकॉस्मोस कार्यक्रम के एक संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के अंतर्गत राकेश शर्मा 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे थे। उस समय भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर और विमान चालक थे। 2 अप्रैल 1984 को सोवियत रॉकेट सोयुज T-11 के जरिए अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए और सैल्यूट 7 अंतरिक्ष स्टेशन पहुँचे, जहाँ करीब 8 दिन बिताए। इस उड़ान में सैल्यूट 7 अंतरिक्ष केंद्र में उन्होंने उत्तरी भारत की फोटोग्राफी की और गुरुत्वाकर्षणहीन योगाभास किया। वे अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के एक और विश्व के 138वें व्यक्ति थे। उनकी अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि ऊपर से अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो राकेश शर्मा ने उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा। धरती से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यह सवाल और अंतरिक्ष में रूसी अंतरिक्ष यान से भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने इस जवाब ने हर हिंदुस्तानी को रोमांचित कर दिया था। नवंबर 2006 में राकेश शर्मा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की समिति में भी सदस्य के रूप में शामिल थे। इस समिति ने नए भारतीय अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को अनुमति दी थी। अब बंगलौर में रहने वाले राकेश शर्मा ऑटोमेटेड वर्कफ्लोर कंपनी के बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहे हैं। पुरस्कार। उन्हें भारत सरकार ने अशोक चक्र और सोवियत संघ ने हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन सम्मान से नवाजा जा चुका है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।